बॉलीवुड फिल्मों में अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस और पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोनी की बायोपिक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। गौरतलब है कि सनी के फैंस को उनकी इस बायोपिक का लंबे समय से इंतजार था। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसे हिंदुस्तान में प्यार और नफरत बराबर बराबर मिली है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये वो हैं जो एक भारतीय नारी को नहीं होना चाहिए, सनी लियोनी। ये डायलॉग सच्चाई के जितना करीब है उतना ही सनी की जिंदगी के भी करीब है। इन्हीं लाइन से ट्रेलर की शुरुआत भी होती है। 2 मिनट 24 सेकंड के इस ट्रेलर में सनी लियोनी के सीन्स देखने को मिलेंगे। इस ट्रेलर में सनी की शुरुआती जिंदगी से मॉडलिंग और फिर इंडस्ट्री से होते हुए बॉलीवुड तक के सफर की झलक दिखाई गई है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सनी लियोनी अडल्ट इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी। बायोपिक का ट्रेलर काफी दिलचस्प है और ये करणजीत कौर के सनी लियोनी बनने की झलक देता है। ग्लैमर और अडल्ट के ठप्पे से परे करणजीत कौर का बचपन कैसा था, उनके परिवार पर सनी के फैसलों का कैसा असर पड़ा, ये सब कुछ उनकी बायोपिक में नजर आने वाला है। सनी ने रियलिटी शो बिग बॉस 5 में हिस्सा लिया था और यहीं से उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया। इस शो के दौरान ही उन्हें फिल्म मेकर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने की ठान ली और ऐसे सनी का सफर शुरू हुआ। सनी ने फिल्म जिस्म जू से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और इसके बाद एक पहेली लीला, कुछ कुछ लोचा है और वन नाइट स्टैंड जैसी फिल्मों में लीड रोल प्ले किए। सनी ने इस दौरान कई आइटम नंबर्स भी किए जिनमें वो शाहरुख खान जैसे ए लिस्टर्स अभिनेताओं के साथ थिरकती हुई भी नजर आई थी। सनी लियोनी की लोकप्रियता का आलम ये है कि एक समय में वो भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई थी। सनी वीरमा देवी के जरिए तमिल फिल्म जगत में भी अपना डेब्यू करने जा रही हैं। सनी लियोनी की ये बायोपिक एक वेब फिल्म है। फिल्म 16 जुलाई को वेब प्लेटफॉर्म Z5 पर प्रसारित की जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि ऑडियंस की ओर से उनके बायोपिक को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।